देखो भाई, ये लोग साहब के इंडिया बैठे हैं और खाली लेक्चर दे रहे हैं, कुछ निकल लिए नहीं, कैसे निकल लिए। वो कल उससे सुन रहे कि 6 बजे हेलीकॉप्टर आ जाइए, अभी का 6 नहीं, मैं तो बोल रहे थे 11:45। आदाब, मैं हूं इमरान राशिद और आप देख रहे हैं हम भारत। 4 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र के मालेगांव की गिरना नदी में 15 लोग अचानक पानी के बीच फंस गए। क्या है पूरा मामला, ये देखते हैं विस्तार से। 4 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र के मालेगांव की गिरना नदी में 15 लोग मछली पकड़ने के लिए गए हुए थे। इसी बीच नदी में अचानक पानी बढ़ गया। पानी का बहाव बहुत तेज था और ये 15 के 15 लोग पानी के बीच ही फंस गए। किस्मत ने साथ दिया कि जहां पर ये लोग रुके हुए थे वो हिस्सा नदी से उठा हुआ था, खुश्क हिस्सा, सूखा हुआ हिस्सा था, जहां पर पानी नहीं पहुंच पाया और ये लोग वहां पर रुके रहे। इस बात की जानकारी मालेगांव फायर ब्रिगेड को दी गई और मालेगांव फायर ब्रिगेड ने फौरन इस जगह पर, घटना स्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था इसलिए ये टीम भी नाकाम रही। नासिक से भी एक टीम आई, ये टीम भी नाकाम रही और इन लोगों को बचाने में इस टीम ने पूरी कोशिश की। लेकिन जब इनको लगा कि पानी का बहाव बहुत तेज है और इन्हें वहां से इस तरफ लाना मुश्किल है, तो फिर ऑफिसर्स ने बहुत कोशिश करके हेलीकॉप्टर मंगाया और 5 अगस्त 2024 को सुबह में 11 से 11:30 बजे के बीच इन 15 लोगों को बचा लिया गया। ये खबर सामने आते ही पूरे महाराष्ट्र में इस पर चर्चा होने लगा था, क्योंकि अभी जल्द ही पुणे के भूसी डैम की जो घटना सामने आई, जो कि बहुत खतरनाक घटना थी, एक ही फैमिली के कई लोग पानी में बह गए, तो उसी कहीं ना कहीं उस एंगल से इस घटना को भी देखा जा रहा था। लेकिन वक्त पर फौरी तौर से कार्रवाई हो जाने के कारण ये 15 लोग बचा लिए गए। मेडिकल जांच और कानूनी कार्रवाई के बाद इन लोगों को अपने अपने घर रवाना कर दिया गया। ये लोग अपने घर तो रवाना हो गए, लेकिन मालेगांव की जो सियासत है, जो राजनीति है, वो अभी भी मैदान में है और अब इस घटना का क्रेडिट लेने की जंग बहुत तेज हो चुकी है। दो जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमने हेलीकॉप्टर मंगाया, वहीं मालेगांव के जो एमएलए हैं वो भी ये दावा कर रहे हैं कि हमने हेलीकॉप्टर मंगाया। जबकि हमने फायर ब्रिगेड के ऑफिसर्स और अधिकारियों से जब बात की तो हमें ये पता चला कि जब ये घटना सामने आई तो तब से ही ऑफिसर्स इन लोगों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे और जब पानी का बहाव बहुत तेज़ था, इन लोगों को लगा कि इस तरह से इन लोगों को बचा पाना मुश्किल है, तो ऑफिसर्स तब से ही हेलीकॉप्टर मंगाने की कोशिश कर रहे थे और इन ऑफिसर्स की कोशिशों से ही 5 अगस्त 2024 को सुबह 11 से 11:30 बजे के बीच हेलीकॉप्टर आया और इन लोगों को बचा लिया गया। जी सर, खैरियत से, इमरान राशिद बोल रहा हूँ। हाँ हेलो, हाँ बोलिए 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 सर। वो क्या निकल गए बच्चे वहाँ से? हाँ बच्चे निकल गए, हेलीपैड मंगाए थे। अच्छा, और हेलीपैड से निकाले सब। अच्छा, तो ये अभी जैसे एक शहर में सारी बातें चल रही, कोई कह रहा है किसी के कहने पर आया, कोई कह रहा है किसी के कहने पर, हाँ। तो क्या कुछ मामला क्या उसका, यानी सही बात क्या है? नहीं, हम लोग का तो कैसे सर, गवर्नमेंट सर्वेंट है हम। हमको एक आम आदमी पे फोन किया तो हम लोग इस काम के लिए मैं चला जाता। बराबर ऐसे, हाँ नहीं नहीं, जैसे ये कलेक्टर की तरफ से आया था, ये आप लोग डिमांड किए थे, क्या मामला था, ये डिमांड कौन किया था? डिमांड तो जैसे हम लोग का चालू ही था सुबह से, ये हेलीपैड मंगाना है, ये है, वो सब चालू ही था उसमें। जी हाँ, अच्छा अच्छा, लेकिन अपन हम लोग ऐसा सरकारी ऑफिसर है, हमारे बातचीत कर रहे थे इस मामले में। अच्छा, और हम लोग तो उनको निकालने में लगे थे, ऐसा हम लोग को कुछ समझा नहीं। अच्छा, हाँ वो लोग की भी कोशिश थी और मालेगांव शहर के बहुत सियासी लोगों की भी कोशिश थी इसमें। अच्छा, लेकिन हाँ अपन उसमें ध्यान नहीं, हम लोग उनको बचाने में लगे हुए। कब ये ऑपरेशन कब सक्सेस हुआ? ये तकरीबन 11:30-12 बजे हेलीपैड आया था। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। वही इस पूरी घटना को आप किस तरह देखते हैं, इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमारे चैनल हम भारत को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।
आएंगे तो साहब के इंजा बैठे हैं ना, खाली लेक्चर दे रहे, कुछ निकलते नहीं, पैसे भी करते हैं वो कल उससे सुन रहे कि 6 बजे ये काम करा दीजिए, अभी बस 6 नहीं मैं तो बोल रही थी कॉलेज जाना बचा है, कल नहीं काम करते कुछ लोग, भाई लोग कोशिश करो, दुआ करो तो भाई लोग।